हेलो एंड वेलकम टू कारखाना। फ्रेंड्स, टेकन के इस एपिसोड में आज हम कंपैरिजन लेके आए हैं किया सोनेट HTK प्लस और टाटा नेक्सॉन XZ के बीच में। इन दोनों गाड़ियों के प्राइस रेंज और इंजन स्पेसिफिकेशंस के आधार पर इनके बीच में आज हम कंपैरिजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कारखाना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम प्राइस की, तो जहां पर टाटा नेक्सॉन XZ पेट्रोल की एक्स शोरूम प्राइस 8,83,000 रुपीज है, तो वहीं पर किया सोनेट HTK प्लस 1.2 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 8,46,000 रुपीज खर्चने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर प्राइस डिफरेंस की बात करें तो लगभग 37,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों के बीच में आपको मिलता है। अब इन 37,000 रुपयों में आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं इन दोनों गाड़ियों के बीच में, इन सब की हम बात करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको बता दें कि इन दोनों गाड़ियों की जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम उन पॉइंट्स को लेंगे जो कि इन दोनों में कॉमन नहीं होंगी। बात करें इनके इंजन की, तो दोनों गाड़ियों में यहाँ पर आपको 1.2 लीटर इंजन मिलता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन में 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, तो वहीं पर आपको किया सोनेट में 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। इन गाड़ियों की पावर की बात करें तो जहाँ पर किया सोनेट में आपको 82 BHP की पावर और 115 NM टॉर्क मिलती है, तो वहीं पर टाटा नेक्सॉन में आपको 118 BHP की पावर और 170 NM टॉर्क मिलती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो जहां पर आपको सोनेट में 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, तो वहीं पर नेक्सॉन में आपको 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। बात करें अगर डायमेंशंस की, तो इन दोनों गाड़ियों की जो लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, आप वो अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पर आपको नेक्सॉन में 2498 mm की व्हील बेस मिल जाती है, तो वहीं पर सोनेट में आपको 2500 यानी कि 2 mm ज़्यादा की व्हील बेस मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो जहां पर आपको नेक्सॉन में 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो वहीं पर आपको सोनेट में सबसे ज़्यादा अपने जो सेगमेंट की सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ये देती है, क्योंकि यहां पर आपको 211 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बूट स्पेस के मामले में भी किया सोनेट नेक्सॉन से आगे निकल जाती है, क्योंकि यहां पर भी आपको 392 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जबकि नेक्सॉन में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस ही मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो नेक्सॉन में आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, तो वहीं पर सोनेट में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो जहां पर नेक्सॉन आपको 17.4 KMPL की माइलेज देती है, तो वहीं पर किया सोनेट आपको 18.4 KMPL यानी कि पूरे 1 KMPL ज़्यादा की माइलेज दे देती है। टायर साइज की बात करें तो जहां पर आपको नेक्सॉन में 195/60 R16 व्हील्स मिलते हैं, तो वहीं पर आपको सोनेट में 215/60 R16 व्हील्स मिलते हैं, यानी कि दोनों गाड़ियों में यहाँ पर भी आपको R16 इंच के 16 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। वैसे सेफ्टी में भी आपको इन दोनों गाड़ियों में बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जो जो चीज़ें इनमें कॉमन नहीं हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एंटी पिच पावर विंडोज सिर्फ सोनेट में ड्राइवर साइड मिल जाती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट आपको टाटा की गाड़ी में यानी कि नेक्सॉन में मिलती है। तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रियर डिफॉगर आपको सोनेट में मिल जाते हैं। और लाइट्स की बात करें तो जहां पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और डे टाइम रनिंग लैम्प्स यानी कि DRL लाइट्स आपको सिर्फ नेक्सॉन में मिलते हैं। सीट्स एंड अपहोल्स्ट्री की बात करें तो जहां पर आपको सोनेट में फैब्रिक के साथ लेदराइट सीट्स मिलती हैं, तो वहीं पर नेक्सॉन में आपको सिर्फ फैब्रिक का ही एकमात्र ऑप्शन मिलता है। साथ ही सोनेट में आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाती हैं, तो वहीं पर आपको सोनेट में ही फ्रंट सीट आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो जहां पर आपको नेक्सॉन में 7 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलती है, तो वहीं पर आपको सोनेट में 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो पावर विंडो 1 टच डाउन एंड अप आपको सिर्फ सोनेट में ड्राइवर साइड में मिलती है। क्लाइमेट कंट्रोल आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है, लेकिन यहाँ पर सोनेट में आपको ऑटो मिलता है, तो नेक्सॉन में आपको मैनुअल ही मिलता है। रियर पावर आउटलेट भी आपको सिर्फ सोनेट में मिलते हैं, बट ड्राइविंग मोड्स आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं। और अगर बात करें इनके इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो सोनेट में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, तो वहीं पर आपको नेक्सॉन में एनालॉग मिलता है।
और नेक्सॉन में आपको गियर इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फैसला आपको लेना है कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर रहती है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपको इनमें से एक गाड़ी लेनी होगी तो आप कौन सी कार लेंगे। साथ ही वीडियो यहाँ तक देख लियो तो एक लाइक जरूर कर दें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कारखाना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती है।